खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं आयसी पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। महाराजगंज के शास्त्री नगर में बीती रात पुलिस की छापेमारी में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। आइए दिखाते हैं महाराजगंज से उमेश गुप्ता की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की पुलिस ने महाराजगंज नगर पालिका के शास्त्री नगर में चल रहे एक बेव्यापार रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 3 युवतियों को, रैकेट चलाने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से महाराजगंज नगर पालिका के शास्त्री नगर में यह सेक्स रैकेट सक्रिय था और महाराजगंज के आसपास के साथ ही बिहार के भी युवतियां इस सेक्स रैकेट में शामिल हैं। लेकिन बीती रात कॉलोनी के लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस सक्रिय हुई और महाराजगंज की महिला थाना प्रभारी मनीषा सिंह और कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और शास्त्री नगर में छापेमारी के दौरान तमाम अवैध सामानों के साथ 3 युवतियों सहित सेक्स रैकेट चलाने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजगंज पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जाँच में जुट चुकी है। कल करीब 9:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र में एक जगह जानकारी प्राप्त हुई कि अनैतिक देह व्यापार चल रहा है एक मकान में, तो वहां पर पुलिस के द्वारा चेकिंग करी गई तो घटना सत्य पाई गई और वहां पे 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं एवं 2 लड़कियां मिली और वहां पर जो है अवैध कंडोम के काफ़ी पैकेट मिले और ये घटना सत्य पाए जाने पर इनके विरुद्ध गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि उसी मोहल्ले में और भी जगह है, व्यापार का धंधा चल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे आगे? इसके लिए भी सूचनाएं संकलित करके अन्य जगह भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।